दोस्तों, अगर आप दुनिया की सबसे दिलचस्प और विचित्र चीजें देखने के शौकीन हैं, तो आपको एक माइक्रोस्कोप खरीदने की जरूरत होगी। एक माइक्रोस्कोप आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें दिखाने की क्षमता रखता है, जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। अगर आपके पास एक माइक्रोस्कोप होगा, तो आप उसमें लगे लेंस की मदद से बारीक चीज को भी विशाल आकार में देख सकेंगे। ऐसा करने से आपको सामान्य से दिखने वाली चीज भी बहुत ही रोमांचक लगेगी, फिर चाहे वह कोरोना वायरस हो या फिर आपके पेन के आगे लगी हुई छोटी सी बॉल। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही रोमांचक चीजें दिखाने वाले हैं, जिन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल ओनर ऑफ थॉट्स हिंदी पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लें। क्लॉथ्स। दोस्तों, क्या आपने कभी कपड़ों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा है कि आखिर हमारे कपड़े माइक्रोस्कोप की मदद से देखने में कैसे लगते हैं? और फिर जब इस छोटे से हाईटेक कैमरे को कपड़े के ऊपर रखकर जूम किया गया, तो उस कपड़े के ऊपर बने सभी ढांचे बहुत ही बड़े और एकदम साफ साफ दिखाई देने लगे, जिसे देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो इस कपड़े को हाथों से बुना गया हो। पर दोस्तों, हम अपनी आँखों की मदद से इस कपड़े को इस तरह से कभी नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत ही बारीक होते हैं, जिन्हें सिर्फ हाईटेक कैमरों और माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। बॉल पेन। दोस्तों, पेन का इस्तेमाल तो आप सभी ने किया ही होगा, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये पेन काम कैसे करता है? या फिर क्या आपने कभी पेन के आगे लगी छोटी सी बॉल को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा है कि असल में वो बॉल दिखती कैसे है? दोस्तों, जब आप पेन की इस छोटी सी बॉल को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे, तो आपको वो बॉल पेन के आगे लगी एक छोटी सी गोली के रूप में दिखाई देती है, जो कि पेन के चलने के साथ साथ घूमती रहती है, जिसे जब भी आप पेन को किसी पेपर पर चलाते हैं, तो उस पेपर पर लिखने में ये छोटी सी बॉल ही आपकी मदद करती है। और अगर ये बॉल पेन में ना लगी हो, तो उस पेन को पेपर पर चलाना नामुमकिन होगा। तो भाई लोग, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक पेन के अंदर लगी इस छोटी सी बॉल का कितना महत्व होता है। ह्यूमन स्किन। दोस्तों, अगर आप माइक्रोस्कोप की मदद से अपनी त्वचा के ऊपर जूम करके देखेंगे, तो आपको अपनी त्वचा के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे ढांचे बने हुए दिखाई देंगे, जो कि आप अपनी नंगी आंखों की मदद से कभी भी नहीं देख सकते। और बस इतना ही नहीं, माइक्रोस्कोप की मदद से आप अपने शरीर के अंदर निकलने वाले पसीने को भी साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह ये हमारे शरीर से बाहर निकल के आता है। कोरोना वायरस ऑन मास्क। दोस्तों, इस वायरस के बारे में कौन नहीं जानता, क्योंकि इसकी वजह से पूरी दुनिया ही परेशान है। पर क्या आप लोगों ने ये कभी सोचा है कि आखिर ये खतरनाक कोरोना वायरस दिखता कैसा है? तो चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप की मदद से देखने के लिए एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का मास्क लिया गया। अब जाहिर सी बात है कि उस मास्क में ये वायरस तो होगा ही, और फिर जब उस मास्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसे जूम किया गया, तो बिल्कुल आखिरी स्टेज तक जूम करने के बाद मास्क के अंदर से ये वायरस कुछ इस तरह का दिखाई देने लगा, जो कि वाकई में बेहद अजीब सा दिखाई दे रहा था। इंजेक्शन एंटर द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी इंजेक्शन तो लगवाया ही होगा, जिसमें एक छोटी सी नुकीली सुई को आपके शरीर के अंदर घुसाया जाता है। पर जब आप इस नुकीली सुई को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे, तो ये छोटी सी सुई देखने में बहुत ही बड़ी और विशालकाय दिखाई देगी। और फिर जब इस सुई को किसी को लगाने के बाद उसे बाहर निकाला जाता है, तो उस जगह पर एक छोटा सा होल बन जाता है। पर जब आप उस होल को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे, तो वो छोटा सा होल कुछ इस तरह से दिखाई देता है, मानो जैसे कि किसी ने आपके शरीर के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा कर दिया हो। तो दोस्तों, अब ये बड़ा सा गड्ढा देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मोबाइल स्क्रीन कलर। दोस्तों, आज के समय में मोबाइल फोन तो सबकी जरूरत बन गई है, हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन होता ही है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर मोबाइल की स्क्रीन पर किसी हाईटेक कैमरे से जूम किया जाए, तो असल में मोबाइल की स्क्रीन दिखेगी कैसी?
और इसी चीज को चेक करने के लिए जब मोबाइल की स्क्रीन पर एक हाईटेक कैमरे से जूम किया गया तो वो स्क्रीन छोटे छोटे कणों के रूप में दिखाई देने लगी, जिसे देखने में ऐसा लग रहा था मानो कि उस स्क्रीन को इन्हीं छोटे छोटे कणों से बनाकर तैयार किया गया हो। और फिर जब इस पर और ज्यादा जूम किया गया तो फिर इसके सारे पिक्सल्स अलग अलग दिखने लगे और ये सारे पिक्सल्स RGB कलर्स में ही थे, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसके अलावा और कोई भी रंग दिखाई नहीं दे रहा था। और दोस्तों आपको बता दें कि इन रंगों के अलावा बाकी के जो भी रंग आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं वो सभी रंग इन्हीं तीन रंगों की मदद से मिलकर बनते हैं। वेलक्रो। दोस्तों वेलक्रो एक ऐसी चीज होती है जिसे बार बार चिपकाने और छुड़ाने में बहुत मजा आता है, पर जब इसे माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखा जाता है तो इसके नीचे वाले भाग में ढेर सारे हुक लगे हुए दिखाई देते हैं और इसके ऊपर वाले भाग में पतली पतली प्लास्टिक की तारें लगी होती हैं। और फिर जैसे ही इसे आपस में चिपकाया जाता है तो ये पतली पतली प्लास्टिक की तारें नीचे लगे हुए हुक्स में फंस जाती हैं और काफी मजबूती के साथ ये एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं। और फिर जब इसे छुड़ाया जाता है तब ये प्लास्टिक की तारे इन हुक्स के अंदर से बाहर निकलने लगती हैं, जिनमें से एक अलग ही तरह की आवाज भी आने लगती है। सैंड। दोस्तों रेत एक ऐसी चीज होती है जो कि देखने में ऐसा लगता है कि इसके कण बहुत ही बारीक और एक बराबर होते हैं, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, जब रेत को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया तो वो देखने में कुछ इस तरह से छोटे छोटे मोतियों के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे धूल मिट्टी और पत्थरों के छोटे छोटे कण मिले होते हैं। पीकॉक फेदर। दोस्तों मोर पंख को तो आप सभी ने देखा ही होगा जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये मोर पंख जितना खूबसूरत नॉर्मल आंखों से देखने में लगता है उतना ही खूबसूरत ये पंख माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखने में भी लगता है। जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर इस पर जूम किया जाता है तो इसके ऊपर कई सारे अलग अलग रंग के ढांचे दिखाई देते हैं और इस पंख की बनावट कुछ इस तरह से दिखाई देती है जैसे कि मानो किसी ने इस पंख को बहुत ही आराम से चुन चुन कर बुना हो। दोस्तों ये खूबसूरत मोर पंख आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों जब हमारे शरीर में कोई कांटा चुभ जाता है तो क्या आपने कभी सोचा है कि उसे माइक्रोस्कोप की मदद से देखने में कैसा लगेगा? तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि कांटा चुभने पर वो कैसा दिखाई देता है। दोस्तों जब आप उस जगह पर माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखेंगे तो उस जगह पर लगी चोट कुछ इस तरह से दिखाई देगी जो कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बड़ी सी नुकीली चीज आपके शरीर में घुस गई हो। और फिर जब उस कांटे को निकाला जाता है तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसे देखने पर शायद आपको लग रहा होगा कि ऐसा करने पर बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कांटा निकालने के लिए केवल स्किन की ऊपरी परत को ही हटाया जाता है। और फिर जब चुभे हुए कांटे को सुई की मदद से बाहर निकाला जाता है तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। कर्ड। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को ये तो पता ही होगा कि दही के अंदर बहुत से छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, पर वो बैक्टीरिया असल में दिखाई कैसे देते हैं ये शायद ही आपने कभी देखा होगा, तो चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों जब दही को माइक्रोस्कोप के ऊपर रखकर उसे जूम किया गया तो उस दही के अंदर ढेर सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया चलते हुए दिखाई दे रहे थे। अब शायद आप सोच रहे हो कि जब दही के अंदर इतने सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो लोग इसे खाते क्यों हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होते हैं। ह्यूमन बियर्ड हेयर। दोस्तों हमारे शरीर पर हर जगह बाल होते हैं, पर कहीं कहीं कुछ बाल ऐसे होते हैं जो सही तरह से ग्रो नहीं हो पाते और वो स्किन के अंदर दबे रह जाते हैं। और फिर जब उन्हें स्किन से बाहर निकाला जाता है तो वो नॉर्मल हेयर्स की तरह ही बढ़ने लगते हैं। इसी तरह जब आप अपने दाढ़ी के बाल को शेप करने के बाद किसी हाईटेक कैमरे से जूम करके देखते हैं तो वो बाल कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। और फिर जब कुछ दिन बाद वो बाल बड़े हो जाते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि मानो जैसे वो बहुत ही नुकीले और मोटे होते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए और इनमें से कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ओनर ऑफ थॉट सिंधी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन भी जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।